ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिन्हों असी पंजाबी विच कक्का कहिंदे आ, अरबी फारसी उर्दू विच उहनूं काफ कहिंदे ने, काफ अखर, उस अखर नूं काफ कहिंदे ने, इंग्लिश विच के पंजाबी च असी कक्का कहिंदे, उर्दू फारसी अरबी च उहनूं काफ कहिंदे ने, काफ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ? ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਸਨ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਂਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮਾਫ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਫ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਖਵਾਸ਼ਤਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕਾਫ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਫ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮਾਫ, ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕਾਚ ਕੰਗਾ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਈ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਕਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕਾਚ ਕਛਹਿਰਾ ਕੰਗਾ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਈ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਲਾੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤੀ ਆਖਣਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਲਾੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੜਿਆ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੌਕਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਪਣ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਚਾਰ ਰਹਿਤਾਂ ਚੌਕਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਪਣ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੜਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦ ਲਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਲਾੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੋਰਖੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ,
ये चार निशानियां बराती ने केस लाड़ा ने, ये चार निशानियां चौखटा ने केस दर्पण ने शीशा है, इहदे चों सिखी झलक दी है। शीशा लीरां लीरां हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तस्वीर दे नाल जुड़े होया टुकड़े टुकड़े शीशा तस्वीर नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई। केस दे टुकड़े टुकड़े कर देते कैंची नाल, उस तरह नाल हुण ए सिख सिख नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। कड़ा केस कड़ा कार दो काच कंगा बिना, बिना केस हेच अस्थि दुम जुमला निशान। शब्द केस है भाई साहब भाई नंद का, बिना केस हेच अस्थि जुमला निशान। ते हुण कोई आखे आखे पिया गुरु असी नहीं मनदे, ये गुरु का कर्जा रह जाएगा। गुरु ने कहा हर धन अमृत वेले वत्थे का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। ये सुन भी लिया ते तू नहीं उठदा, कर्जा रह गया। उदम करेंदियां जीव तो कमाउंदियां सुख भुंज, दयाउंदियां तो प्रभु मिल नानक उतरी छिन। ये उदमे भी नहीं आलसी है, और ये उठ के नाम भी नहीं जपदा, पर शब्द ते सुन लिया गुरु को, ये गुरु दा कर्जा रह जाएगा। सत्संग रोज रोज करदा है, गुरुद्वारे रोज रोज आंदा है, गुरु दी एक गल नहीं मनदा, यकीन जानो इहदे सिर दे उत्ते कर्जा रोज रोज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये कर्जा ही है। इते गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आ गया सत सत कर माने। जो एक दफा सत सत करके मन लेंदा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मन ने की गत कही ना जा, जेको कहे पछे पछता है। जो मन लेंदा है उहदी महिमा नहीं बयान कीती, बस जो सुनांदा ते पे है मनदा नहीं, गाउंदा ते पे है मनदा नहीं, पढ़दा ते पे है मनदा नहीं, सुनदा ते पे है मनदा ही नहीं, कुछ भी नहीं। कर्जा रहेगा, कर्जा ही है, इहदे सिर ते कर्जा रहेगा। ये तीजा कर्जा है गुरु ऋण, ते चौथा कर्जा ब्रह्म ऋण, परमात्मा दा कर्जा। तुसी आखोगे ओदा कर्जा की है, नवजायत बच्चा आउंदा है, बच्चा जद जन्म लैंदा है, ये पंजे विकार उस दे विच नहीं है, ईर्षा द्वेष भी नहीं है, निंदा ते उस्तत भी नहीं है, अपना ते पराया भी नहीं। दुश्मन उन्हों गोद च लै दे तां वी मुस्कुरांदा है, पड़ोसी मित्र गोद दे च लै ले तां वी मुस्कुरांदा है। ओल है, पावन है, पवित्र है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने पायो बाल बुद्ध सुखरे, परम आनंद मिलिया सानू बाल बुद्धि करके। संसार दा कोई भी काम करिए चातर बुद्धि वरत लिया करो, पर जद पाठ करना है बाल बुद्धि, जद गुरुद्वारे बैठना है बाल बुद्धि, जद कीर्तन करना है ते सुनना है बाल बुद्धि। हजरत ईसा कहा करदे सन मेरे खुदा दे महल दे च ओही प्रवेश करनगे जो बच्चे ने, जो बच्चे ने। ओ इंज कहंदे सन, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने पायो बाल बुद्ध सुखरे, बच्चा मासूम है, भोला है, निर्वैर है, निर्दोष है, सारे गुण ओहदे च ने, जमे है सारे गुण लैके, सहजे सहजे जीवे है सारे गुण गवा के, सारे अवगुण संग्रह करके, जमे है सारे गुण लेके, जीवे है सारे गुण गवा के। निर्दोषता गवा देती, बोलापन गवा देता, समदृष्टि गवा देती, सब कुछ गवा देता।
सिर्फ यही नहीं कि गुण गवाए ने, फिर औगुण कट्ठे कीते। तो ब्रह्म रहण परमात्मा ने जिमें भेजिया से वापस तू जद संसार तो जावे, अगर वैसा नहीं तो परमात्मा दे द्वार बंद ने, तू मुक्त नहीं हो सकता, तू जन्म मरण के चक्कर पैगा, तू लंबे गेड़िया पैगा। वैसे ही जा जैसा जगत विच आया से, कदी कदाई कोई इस तरह जानता है। जिस बीजक नामक ग्रंथ की मैं गल की थी, उस कबीर के चेले जो बाद विच कबीर पंथ का प्रचार करते रहे, उन्होंने भी कुछ बोल ने, उन्हों का नाम से धनी राम। कबीर के नाम से उचारा होया धनी राम का एक बोल थानू सरण करावा। कहिंदे ने बस इत्थे तक ही कबीर की परंपरा ठीक रही, अगों तो फिर बस पेशेवर आ गए, दुकानदार आ गए, खेड़ ओ ना रही। धनी राम कहिंदे बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया, ज्यों की त्यों धर दीन च दरिया, ए परिपूर्ण परमात्मा। ये जिंदगी दी चादर जिहड़ी तू मैनू दित्ती सी बड़ी चिट्टी, बेदाग साफ सुथरी, मैं उस तरह ही वापस ले आया, देख मैं किधरे दागी नहीं आन दित्ती, मैं किधरों फाड़ी भी नहीं है, मैं ये चादर उसे तरह ही ले आया प्रभु जिवें तू मैनू दित्ती सी। बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया, बड़ी सावधानी नाल मैं ये कंबली ओढ़दा रहा किधरे मैली ना हो जाए। मनुख इस शरीर की कंबली बारे चादर बारे सावधानी नहीं वरतदा, गलत वेखदा है, अखां मैलियां होंदियां मन मैला होंदा, गलत सुनदा है कन दागी आउंदे मन मैला होंदा, गलत बोलदा है। चार पाप ते जबान दे बजर मने गए ने, मिथ्या बोलना, कौड़ा बोलना, फिका बोलना, व्यर्थ बोलना, बोलना है। इसका प्रभाव मन ते पैंदा है, जबान दा की होंदी है, मन दा की होंदा। धनी राम कहिंदे ने मैं इस तरह का कुछ भी नहीं कीता, मैं बड़ी सावधानी नाल जिंदगी दी ये चादर ओढ़ी है। बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया, ज्यों की त्यों धर जीन चदरिया, जिमें प्रभु तू मैनू दिती सी ये चादर, मैं तिवें ही तेरे कदमां च रख दिती। वापसी उसे तरह तो ब्रह्म का कर्जा लै जांदा है, परमात्मा ने जिमें भेजिया सी वैसे ही लौट गए, वैसे ही लौट गए। तो प्रभु का कर्जा जो कुछ किसी को लिया है तो वापस करिए, जैसा जीवन प्रभु तो आया है वैसा ही वापस करिए। तो ब्रह्म ऋण लै जांदा है, गुरु का वचन मन लईए तो गुरु का ऋण लै जांदा है। देवते साडे शरीर नाल संबंध जोड़ के भ्रष्ट हो गए, इन्हों के बदले च किसी की भुख मिटाइए, प्यास मिटाइए, किसी नू दवा दारू की मेहनत करिए, इस तरह का उद्यम उपराला करिए, तो फिर देवत्यां का कर्जा लै जांदा। मां बाप ने सेवा की थी, बदले च उन्हां दी सेवा करिए तो फिर पितरी ऋण लै जांदा। ये चार कर्जे ने, पितरी ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, ब्रह्म ऋण। धन गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे ने साढ़े चारे कर्जे ही लै गए। मेरे ही अरे रतन नाम हर वसया, गुर हाथ धरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा। सारे ऋण सारे कर्जे लै गए। धन गुरु रामदास जी महाराज का पुरब मनाद आया, अज तहिया कर लईए कि ये कर्जे निबेड़ने ने, जीवन दे अंत तो पहले कर्जियां का बोझ उतारना है, लाना है। गुरुपुरब मनाया होया साडा सफल होगा। इतने ही वचन प्रमाण करने। सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद।
ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਛਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।